हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडरमा जिले से संबंधित प्रश्न। कोडरमा जिले से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, कोडरमा जिले की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपको याद रखना 1994 ईस्वी में कोडरमा जिले का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1994 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कोडरमा जिला किस परमंडल में आते हैं? तो झारखंड में टोटल परमंडल की संख्या आपका 5, उनमें से कोडरमा जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में आते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कोडरमा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जिला मुख्यालय आपका कोडरमा, कोडरमा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? कोडरमा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसका एरिया कितना है, यानी कोडरमा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कोडरमा जिले का क्षेत्रफल आपका 2540 वर्ग किलोमीटर, कोडरमा जिला 2540 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? कोडरमा जिले की कुल जनसंख्या है आपका 7,16,259। यहाँ की कुल जनसंख्या है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी आपका हो जाएगा कितना, 280, 1 वर्ग किलोमीटर में 280 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसका लिंग अनुपात कितना है, यानी सेक्स रेशियो? तो आपका हो जाएगा 953, 1000 पुरुष की तुलना में 953 महिला है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो आपका शिशु लिंग अनुपात हो जाएगा 949। कोडरमा जिले का शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उनमें से लड़का और लड़की का तुलना करते हैं, 1000 लड़का में से लड़की की संख्या कितना है, 949, ये हो गया आपका शिशु लिंग अनुपात। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ का साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ का साक्षरता दर आपका 66.84%। कोडरमा जिले की साक्षरता दर कितनी है, 66.84%। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे अनुमंडल कितना है? तो यहाँ पे अनुमंडल की संख्या आपका 1। कोडरमा जिले में कितना अनुमंडल है, 1 अनुमंडल है, उसका नाम क्या है, तो कोडरमा। कोडरमा जिले का अनुमंडल का नाम क्या है, कोडरमा, एकमात्र अनुमंडल है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे प्रखंड कितना है, कोडरमा जिले में कितने प्रखंड है? तो यहाँ पे आपका प्रखंड हो जाएगा कितना, 6 प्रखंड है। क्या क्या प्रखंड है, तो यहाँ पे मैं नीचे में लिख के रखा हूँ, देख सकते हैं, कोडरमा, उसके बाद सतगावा, उसके बाद डोमचांच, उसके बाद मरक क्या है, मरकच्चो, उसके बाद दंचवारा और उसके बाद है जयनगर। टोटल 6 प्रखंड है कोडरमा जिले में, प्रखंड कितना है, 6 प्रखंड है। क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोडरमा, संतगावा, डोमचांच, उसके बाद हो जाएगा मरकच्चो, उसके बाद दंचवारा और जयनगर, टोटल 6 प्रखंड है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र आपका 1 क्या है, कोडरमा। कोडरमा जिले में यहाँ पे देख सकते हैं आपका अनुमंडल भी है 1 और उसका नाम है कोडरमा, और विधानसभा क्षेत्र भी आपका 1 उसका नाम है कोडरमा। यहाँ पे दोनों चीज क्या हो गया, विधानसभा और अनुमंडल कॉमन है दोनों। उसका दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH 31। कोडरमा जिले से एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जिसका नाम है क्या, NH 31। उसका दोस्तों बात करते हैं, यहाँ की प्रमुख नदी क्या क्या है? तो आपका नदी हो जाएगा ब्राकर, उसके बाद सकरी और बरसोती। यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, ब्राकर, सकरी और बरसोती। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सी नदी है जो कोडरमा जिले में नहीं है, तो आपको तीनों ऑप्शन रहेंगे, ब्राकर, सकरी और बरसोती, और एक अलग नदी दे देगा जैसे कि स्वर्णरेखा, इस तरह से आपको स्वर्णरेखा को छांटना है। उसका दोस्तों बात करते हैं, कोडरमा जिला किसके लिए फेमस है? तो आपको यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, अभ्रक के लिए। अभ्रक की सर्वाधिक खाने कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको याद रखना, कोडरमा में। अभ्रक की सर्वाधिक खाने झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? कोडरमा जिला में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल क्या क्या है? तो तिलैया डैम कहाँ पे हो जाएगा? कोडरमा में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा में। यहाँ पे जो पर्यटन स्थल देख रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तिलैया डैम कहाँ पे है, कोडरमा में, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, न्यूनतम ST% वाला जिला कहाँ पे है? झारखंड के किस जिले में न्यूनतम ST जनसंख्या पाया जाता है? तो आप क्या रहे, कोडरमा में। सबसे न्यूनतम ST जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? कोडरमा का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले का है? कोडरमा का। यहाँ का प्रति 10 वर्ष में आपका 43% की वृद्धि हो जाती है, प्रति 10 वर्ष में 43% की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, काफी जनसंख्या वृद्धि दर है। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग इसे रिपीट कर लेते हैं।
स्थापना कब हुआ था 1994। मुख्यालय कहाँ? कोडरमा। एरिया कितना है? 2540 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 716,259। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 280। लिंग अनुपात 953। शिशु लिंग अनुपात है आपका 949। साक्षरता दर आपका 66.84%। उसके बाद अनुमंडल की संख्या आपका एक, वह है क्या? कोडरमा। प्रखंडों की संख्या 6, क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं? कोडरमा, उसके बाद सदगावा, डोमचांच, मरकच्चो, उसके बाद दंजवारा और जयनगर। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितना है? एक है, क्या है? कोडरमा। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या एक, क्या है? NH 31। उसके बाद प्रमुख नदी ब्राकर, सकरी, बरसोती। अवरक्की खाने कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में सर्वाधिक। उसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल क्या क्या है? तिलैया डैम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। उसके बाद न्यूनतम ST जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? आपके याद में कोडरमा में। उसके बाद सर्वाधिक ST बोलेगा तो रांची में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले का है? तो कोडरमा जिले का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।